पाठ तीन शब्द विचार इटिमोल ध्यान से पढ़ो और समझो अ उपवन म ओ ट -आ -र मोटर उपवन तथा मोटर शब्द कई वर्णों के मिलने से बने हैं शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से होता है शब्द वर्ण दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं जैसे ख अ र, आ, घर शब्द भंडार वो कैप्यूलरी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं शब्दों का वर्गीकरण शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जाता है एक प्रयोग के आधार पर दो अर्थ के आधार पर प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं एक विकारी शब्द दो अविकारी शब्द एक विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक आदि के आधार पर बदलाव आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं विकारी शब्दों को भी चार वर्गों में बांटा जाता है विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया दो अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द क्रिया विशेषण संबंध पोथक योजक, विस्मयाति पोथक अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं एक सार्थक शब्द दो निरर्थक शब्द एक सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं जैसे कलम पुस्तक मीस आदि दो निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं जैसे चाय वाय लोटा ओटा खाना वाना आदि ध्यान दीजिए ऊपर लिखे शब्दों में वाय ओटा तथा वाना का कोई अर्थ नहीं होता है अतः ये सभी शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं